अलग अलग प्रजातियों की तुलसियों का वर्णन आता है और वन औषधि विज्ञान में भी युग ऋषि लिखते हैं कि ये सबसे पहले वन तुलसी, देख रहे हैं आप, ये वन तुलसी का एक पौधा, देखो ये पूरा हिल रहा है, एक पौधा ये मेरे हाथ है और ये उसके मंदिरी आ गई है, ये वन तुलसी की पत्ती है, बहुत सुगंधित होती वन तुलसी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है ये परजीवी रोगाणु कीटाणु को जड़ से मिटाती है। इसके बाद देखिए गौरी, एक गौरी तुलसी का देख रहे हैं आप, इसके पुंकेसर लंबे रहेंगे, गौर वर्ण की रहेगी, इसकी देखो शाखाएं भी कितनी सुंदर, और ये गौरी तुलसी जो होती है इसका पत्ता बहुत ही सॉफ्ट और रहता है और हल्की नींबू जैसी इसमें खुशबू आती है। और आप देख रहे हैं कृष्ण तुलसी, वैसे गंध में कृष्ण तुलसी बहुत ज्यादा तीव्र होती है, देखो इनके पुंकेसर फूल भी और इनके फूलों का अंदर ये बीज भी आप पकने लगे हैं, और ये सबसे ज्यादा ज्वर नाशक और दर्द में इसका बहुत अच्छा गुण औषधि गुण बताया गया है। देख रहे हैं राम तुलसी, ये राम तुलसी की विशेषता होती है कि ये हल्की सी इस कलर में होगी, ब्राउन कलर में, और इसकी एक बड़ी विशेषता इसके अंदर के जो बीज रहेंगे उसकी ऐसी दूरियां रहेगी और पांच पांच इसके श्रृंखला में चलेंगे, इसको कहते राम तुलसी। और राम तुलसी के बाद आपको देखिए कपूर तुलसी, और इसके अंदर एक में 25 बीज निकलेंगे, एक एक में पांच पांच बीज, और ये कपूर तुलसी इसकी मंदिरिया जो रहेगी इस प्रकार से एक लाइन से रहेगी, इसके पत्ते में बहुत अद्भुत खुशबू आएगी, देखो ये कपूर तुलसी का खुशबू लीजिए, इसका अद्भुत खुशबू आएगा, बहुत अद्भुत खुशबू आती है। ये कपूर तुलसी को जला दो घर में, इससे काकरोच मक्खी मच्छर और रोग कीटाणु फैलाने वाले बैक्टीरिया भी भाग जाएंगे। और देखिए ये हमने इसका करीब 25,000 पौधे तैयार करे हैं और इनको ऐसा ड्रिप डाला है, देखिए ये हर ये चार ये ड्रिप एरिकेशन के द्वारा 1.5x1.5 की दूरी पर ये पूरी पांचों तुलसियां लगा रखी है। ये आप देख दर्शन कर रहे हैं, पंच तुलसी के दर्शन कर रहे हैं, इसके मेड़ों के चारों तरफ पंच तुलसी मौलश्री के वृक्षों के बीच में लगा रखी है। गायत्री धाम सेंधवा का तुलसी वृंदावन के आपने दर्शन करें, बहुत धन्यवाद।